ओम शांति। चौथा संदेश है, आज जब हम वतन में गए तो जैसे हम पहुंची बाप दादा सामने थे, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, ये माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची ये सभी उलानों की माला है, क्योंकि हर एक बच्चा जब एकांत में बैठता है तो बाबा को स्नेह में उलाना देते हैं। हर एक बच्चे ने बाबा को उलानों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भले याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा के वंडरफुल सीन को देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उलाना देता रहता है। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम स्नेह भी है, इसलिए इस उलहनों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उलहनों की ही माला पहनाता हूँ। वो कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उलाना भी मीठी मीठी रूह रिहान है, यह भी एक खेलपाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया, वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूजियम दिखाता हूँ। तुम तो म्यूजियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो, बाबा का म्यूजियम तो एक सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर के ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही म्यूजियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूजियम यही है, अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं ना, तो बाबा ने कहां देखा, बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा, जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में सजा रहे हैं। सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में जाओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वो मिस कर लेते हैं। इसलिए एकरस कर्मातीत स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में भी जो कमी दिखाई देती है उसको सजा रहा हो। जैसे साकार रूप में
यह कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में भी करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाबा बच्चों को सजाते हैं, ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योगयुक्त बच्चे होंगे उनको भासना जरूर आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे सजा रहे हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता हूँ, बहलाता हूँ। अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैंने कहा, बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा, यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना, ज्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसी को बुला सकते हैं। इस प्रकार बाबा के साथ ये मीठी रूह रूहान हमने सुनी। ओम शांति।